चाहिए Redmi 6A? अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, हमारे वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करना। सन 2002 से आपकी सेवा में, हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9827366111। लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब बेचने की सूचना काफी समय से देवरी पुलिस को प्राप्त हो रही थी, जिस पर देवरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक घर पर छापामार कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में देशी शराब का जखीरा प्राप्त किया। इसकी जानकारी देते हुए अनुविभाग के अधिकारी पुलिस अजीत पटेल ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर कुख्यात आरोपी तरवार टैकवार और उसके लड़के को अवैध शराब के साथ पकड़ा गया है। आरोपी शराब को घर के पीछे नगर पालिका पंप हाउस के पास छुपा कर रखे हुए था, जिसमें देशी शराब की लगभग आज कार्रवाई की है, अवैध शराब जब्त की है। कितनी मात्रा में और कहाँ मिली है ये शराब? ये जवरी नगर में पिछले कुछ दिनों से छुटपुट शराब दिखने की खबर आ रही थी। इसके लिए पुलिस प्रशासन, राजस्व, नगर पालिका सभी लोग मिलजुल के लगे हुए थे और हमारी मुखबिरी जो मुखबिर तंत्र वो भी लगा हुआ था। इसी संबंध में आज हमको सूचना मिली थी कि जो यहाँ देवी शहर का कुख्यात शराब तस्कर है तरवर रैकवार, उसने अपने घर के पीछे नगर पालिका का जहाँ पंप हाउस बना हुआ है उसकी आड़ में, उसकी बाउंड्री की आड़ में उनने अवैध रूप से शराब का संग्रहण कर रखा है और वो वहाँ से दीगर लोगों को बेचने के लिए दे रहा है। इसकी सूचना पर मैं, मेरे साथ SDM साहब, DI साहब, नगर पालिका के अधिकारी, सभी लोग, हम लोग को कुछ जनसामान्य के लोग भी थे, हम सभी लोग इकट्ठे गए थे वहाँ पर छापा मारा तो उसमें तरबर और उसके लड़के गगन, इनको रंगे हाथों पकड़ा गया है। वहाँ पर अभी काउंटिंग चल रही है, लगभग 90-95 पेटियाँ शराब है, जिसमें देशी शराब है सभी, उसमें कुछ सादा प्लेन है और कुछ मसाला शराब है। ये लगभग एक मोटे अनुमान पे ये समझ सकते हैं लगभग 3-3 लाख से ऊपर की शराब ही होगी जिस पर जब्त किया गया है। तो उसके संबंध में पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।